कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाली इंग्लिश के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडवांस इंग्लिश बाय राजेश्वर शर्मा में। फ्रेंड्स, ये वीडियो दो चीजों के लिए है। देखिए, कल हमारा एग्जाम है 10+2 के डिस्क्रिप्टिव का, तो दो चीजें आपको मैं बता देता हूं। पहला, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी तक जितने भी अपने एसेज और लेटर्स कवर हुए हैं उस फोल्डर का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो प्लीज आप उन सब पीडीएफ को एक बार देख लें जो कि चैनल पे अपलोड हुए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर कोई टॉपिक आपने कवर नहीं किया है आपकी खुद की स्टडी से तो उसको भी आप यहाँ पे देख के कवर कर लें। और दूसरा ये कि आप कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। देखिए, बच्चों ने इस बार भी गलती करी है। मुझे कुछ ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका स्कोर 485-490 के आसपास है, बट दे हैव फॉरगॉट टू टिक इन द बॉक्स ऑफ लैंग्वेज कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, तो उस पर वो बच्चे टिक लगाना भूल गए हैं। तो प्लीज ऐसी गलती तो बिल्कुल भी ना करें। आइए हम एक बार देख लेते हैं आपको किन चीजों को ध्यान रखना है। देखिए, सिग्नेचर होगा, तीन कॉपीज पे आपका सिग्नेचर होगा। एक आपकी कमीशन कॉपी होगी, एक आपकी अटेंडेंस शीट होगी और एक आपकी होगी जो मेन कॉपी जिसमें आप लिखेंगे। उन तीनों पे आपके साइन होने हैं, तो प्लीज साइन का ध्यान रखें। आपका थंब इंप्रेशन होगा, जो कमीशन कॉपी है उस पर थंब इंप्रेशन होगा। जो आपकी मेन कॉपी है जिसमें आप आंसर लिखेंगे उस पर थंब इंप्रेशन होगा, और जो अटेंडेंस शीट है उस पर भी थंब इंप्रेशन होगा। हालांकि हम लोगों से 8 तारीख को उस पे थंब इंप्रेशन नहीं लिया था, एसएससी ने यह कहा था कि मैंडेटरी नहीं है और उनको इस बार थंब इंप्रेशन नहीं चाहिए। तो मैंने या जो बच्चे मेरी क्लास में बैठे थे उन्होंने थंब इंप्रेशन नहीं दिया है, बट बहुत से सेंटर्स पे बहुत से बच्चों ने जबरदस्ती लड़के अपना थंब इंप्रेशन लगवाया है। तो मुझे एक्चुअली इसका आइडिया नहीं है कि आप भी लगवाइए या मत लगवाइए। फिर आता है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ हमारी नहीं लगवाई कमीशन कॉपी के पीछे, एंड दे गिव अ रीजन कि अगर आपका फेस और आपके एडमिट कार्ड की जो फोटो है वो मैच नहीं करता है उस केस में फोटो लगवाते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी चेंज दिखता है आपकी फेस में तो हो सकता है आपसे फोटो लगवाएं। अब जो आपकी आंसर शीट है उसमें रोल नंबर आएगा, टिकट नंबर आएगा, ठीक है, ये दो चीजें आएंगी। इसके बाद सिग्नेचर आएगा, थंब इंप्रेशन आएगा और वो टिक आएगा जो आपको लगाना है आपकी लैंग्वेज पे कि इंग्लिश है हिंदी। तो पांच चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान रखना। 5 things थी, आपका रोल नंबर, आपका टिकट नंबर, आपका सिग्नेचर, आपका थंब इंप्रेशन और आपका टिक मार्क। ओके, तो प्लीज टिक मार्क तो भूलना ही मत। ये आपका लैंग्वेज बॉक्स है जिसमें आपको टिक करना है। आप टॉपिक को ढंग से रीड कीजिएगा वरना आपसे मिस्टेक हो जाएगी और आप पूरा डेटा नहीं लिखेंगे। जैसे 8 तारीख के पेपर में लेटर आया था उसमें ये था, आप किसी मैनेजर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं कंपनी में और आप टाइमली ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप वैलिड और कन्विंसिंग रीजन दीजिए कि आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो वहां वर्ड था कन्विंसिंग, तो आपको आपका लेटर ऐसे लिखना है कि वो कन्विंसिंग लिखे। और उसमें यह भी था कि आप उस डेट पे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे जिस डेट पे आपकी ज्वाइनिंग है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि आपको कुछ टाइम का एक्सटेंशन चाहिए, चाहे तो वो 10 दिन का हो, 2 हफ्ते का हो, 1 महीने का हो, तो वो भी लिखना था क्योंकि थोड़ा सा हिडन मीनिंग होता है, टॉपिक को ढंग से पढ़ना है आपको। इसके बाद है काउंट द बॉक्सेस। देखिए, बॉक्स को काउंट कर लीजिएगा। पहले पेज में 44 थे, फिर 56 56 56 एंड 56, ओके, ऐसे था। तो आप एक बार पेंसिल का यूज करते हुए टिक लगा ले कि हाँ 250 वर्ड्स तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और 275 यहाँ पे होते हैं, और आपको उसको ओवरशूट नहीं करना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है अपना कंटेंट ताकि उसका फ्लो बना रहे और जब आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जाएं तो उसमें नीटनेस दिखे, उसमें क्लीननेस दिखे। आपको वर्ड लिमिट शूट नहीं करनी है। और फाइनली मैं आप सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। आप पेपर ढंग से दीजिए और कोई ऐसी मिस्टेक मत कीजिए जिससे कि आपको बाद में परेशानी हो। और प्लीज जो 5 चीजें हैं एग्जाम की कॉपी पे उसको आप डेफिनेटली फिल करें। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, और सीजीएल 2018 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।